हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग सेंटर आई एम निशा गुप्ता फ्रॉम जीसीसी टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कोड कन्वर्टर सो वी विल डिस्कस अबाउट द बीसीडी टू एक्सेस थ्री कोड कन्वर्टर बिफोर स्टार्ट माय टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स आज हम करेंगे बी से एक्सेस थ्री कोड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है तो इस करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं इसका टी टेबल टी टेबल मीन्स ट्रुथ टेबल तो देखो यहाँ पर मैंने बी सी डी कोड लिया है एंड राइट साइड में मेरे पास है एक्सेस्री कोड बी सी डी कोड में मेरे पास है ए बी सी डी ये जो है चार इनपुट्स हैं एंड इधर एक्सेस्री में क्या है ई थ्री ई टू ई वन एंड ई नॉट पहले मेरे पास क्या है ज़ीरो 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 देखो जब आपने बी सी डी कोड से एक्सेस थ्री कोड में कन्वर्टर करना है कन्वर्जन करनी है तो हम क्या करते हैं बी सी डी में थ्री को ऐड करते हैं देखो थ्री को जो हमने ऐड करना है एट फोर टू वन रूल के साथ उसको हम ऐड करेंगे जैसे कि एग्जांपल है मैंने फ़र्स्ट लिया जीरो ज़ीरो जीरो ज़ीरो तो यहाँ पे मैंने ज़ीरो ज़ीरो वन वन एट फोर टू वन रूल के अकॉर्डिंगली ऐड किया तो क्या आया वन जीरो प्लस वन इज़ वन जीरो प्लस ज़ीरो 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 प्लस जीरो इज़ ज़ीरो सो so, मेरे पास एक्सेसरी कोड क्या बन गया ज़ीरो जीरो वन वन मैंने लिख दिया ज़ीरो जीरो वन वन क्लियर सो उसी के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट मेरे पास है ज़ीरो 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 वन तो इसको भी मैं क्या करूंगी इसमें भी मैं थ्री ऐड कर दूंगी कौन ज़ीरो ज़ीरो वन वन तो वन प्लस वन क्या होता है टेन तो क्या आ गया ज़ीरो सो so, उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको इसमें भी थ्री को ऐड कर लेंगे तो मैंने उसी के अकॉर्डिंगली जितने मेरे पास इनपुट्स हैं ए बी सी डी की उसको कन्वर्ट कर दिया एक्सेसरी कोड में क्लियर नेक्स्ट है अब मैं इसकी के मैपिंग करने जा रही हूँ देखो के मैपिंग में क्या है के मैपिंग सबसे पहले मैं करूँगी ई नॉट की ई e नॉट की के मैपिंग करनी है मेरे पास फोर क्या है इनपुट्स हैं ए बी सी डी यहाँ पे हम लिखेंगे जीरो ज़ीरो ज़ीरो वन 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 ज़ीरो एंड लेफ़्ट साइड पे जीरो ज़ीरो जीरो वन 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 जीरो अब हम देखते हैं जब हमने ई नॉट की के मैपिंग करनी है तो ई नॉट में कौन कौन से नंबर हैं जहाँ जहाँ पे वन वन है हमारा हम वो जो हमारी आउटपुट आई है उसको हम बॉक्सेज में फिल कर देंगे क्लियर और जहाँ पे वन वन है उसको हमने बॉक्सेज में फिल कर दिया अब देखो यहाँ पे एक्स क्रॉस लगा हुआ है एक्स एक्स लगा हुआ है इसका मतलब ये क्या है इसमें डोंट केयर कंडीशन है ये चीज़ जो मैंने आपको पहले भी जब के मैपिंग का टॉपिक किया था तब समझा दी थी तो यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन है डोंट केयर कंडीशन की मैंने वहाँ पे आपको ये भी बताया था जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो उसकी मैक्सिमम पेयरिंग करने की तो हम उसको वहाँ पर ले सकते हैं तो इसमें देखो मेरे पास क्या बन गया वन वन एक्स वन एंड वन वन एक्स एक्स इसको भी मैंने क्या किया रैप कर दिया जब हम इसको रैप करते हैं तो मेरे पास उसके अकॉर्डिंगली जो कॉमन टर्म आएगी डी कॉम्प्लीमेंट सो ई नोट का जो के मैपिंग है वो डी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ गया ई e नोट मेरा जो है एक्सेसरी कोड है सिमिलरली मैं के मैपिंग करने जा रही हूँ ई e वन की एक्सेसरी कोड ई वन की इसमें भी देखो मेरे पास क्या है ये जो ई e वन है इसमें भी मेरे पास ई e वन में जहाँ जहाँ पे वन है वो मैं आउटपुट जो मेरी वन आई है उसको मैं फिल कर दूंगी बॉक्सेस में और बाकी मेरी एक्स एक्स हैं ये डोंट केयर कंडीशन है इसमें भी हम देखते हैं हमारे मैक्सिमम जो पेयर्स है वो कौन सा बनता है एक तो मेरे पास ये बन गया वन वन एक्स वन और एक इधर से बन गया वन वन एक्स एक्स उसी के अकॉर्डिंगली इधर कॉमन टर्म आई सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट एंड इधर आया सी टी उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो एक्सेसरी कोड ई वन का है वो आया सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी टी नेक्स्ट हमारी थर्ड जो है के मैपिंग है फॉर ई टू के लिए एक्सेसरी कोड के लिए इसमें भी सेम उसी रूल के अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ पे हमारी जो आउटपुट है उसको बॉक्सेस में फिल कर देंगे वन वन को तो इसमें पेयरिंग भी देखेंगे डॉन केयर कंडीशन को भी यूज़ करते हैं एक पेयर हमारा बन गया वन और एक्स का एक मेरा जो बन रहा है इधर भी वन और एक्स का और इधर एक बन रहा है एक्स और एक्स का और यहाँ पर देखो ये वन और एक्स का जो है ये इधर से एक अप से और एक डाउन से इनकी भी हम रैपिंग करेंगे इधर वन और वन ये अप से है और बॉटम से एक्स और एक्स है इसकी भी हम रैपिंग करेंगे आफ्टर रैपिंग देखो यहाँ पे मेरे पास आया बी कॉम्प्लीमेंट सी और इधर वाले का आया बी कॉम्प्लीमेंट डी एंड नेक्स्ट जो फर्स्ट पेयर बनाना उसका आया बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट तो मेरे पास ई टू का रिजल्ट बन गया है बी बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी क्लियर नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ के मैपिंग है E3 की E3 की के मैपिंग भी हम कैसे करेंगे सिमिलर वे के साथ करेंगे जहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आई है उसको हम बॉक्सिस में फिल करेंगे डॉन्ट केयर कंडीशन को भी यूज़ कर लेंगे सो so, उसी के अकॉर्डिंगली एक तो मेरे पास जो बन रहा है एक ये वाला बॉक्स बन रहा है इसमें कॉमन क्या आ गया ए एंड सेकेंड मेरे पास एक ये वाला बॉक्स पेयर बन रहा है और एक इधर से पेयर बन रहा है क्लियर तो so, इसका कॉमन क्या आ गया बी सी क्लियर और इधर का जो कॉमन है वो क्या आया बी डी तो इसके अकॉर्डिंगली जो E3 है एक्सेसरी कोड है उसकी भी मैंने के मैपिंग कर दी है और आज की वीडियो में मैंने अब आपको बता दिया है कि हम बी सी डी से एक्सेसरी कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आगे मैंने इसका सर्कल डायग्राम नहीं बनाया ये सर्कल डायग्राम आप खुद बना सकते हो इट्स वेरी इजी बिकॉज मैंने टू कन्वर्जन आपको पहले बताई थी बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी सिमिलरली उसी वे के साथ ही आप इसका भी सर्कल डायग्राम बना सकते हो और जो आज की वीडियो में मैंने आपको कोड कन्वर्टर की जो बी सी डी से एक्सेसरी कोड कन्वर्टर बताया है उसी वे से आप एक्सेसरी कोड से बी सी डी में भी कन्वर्ट कर सकते हो क्लियर